राजेंद्र राठौर साहब नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहली बार इनका अजमेर आगमन हुआ है, तो ये भी इतिहास में लिखा जाएगा। तो मैं खास तौर पे इस आयोजन में महाराणा प्रताप विराजमान है साक्षात लग रहे हमें, और आप नेता प्रतिपक्ष की मैं समझता हूँ योग्य आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने यह अवसर दिया। ये आरक्षण बढ़ाओगे कैसे मेरे को समझाओ सही आप। तो भाई कुछ आपकी आप चतुर सुजान तो हो, पर कुछ बातें मुख्यमंत्री जी को कहना कि राजेंद्र राठौर ने मंच से कहा है, कहा कि आरक्षण का भूत जो निकाल रहे हो जिन निकाल रहे हो इस जिन को तो निकालो, पर जो संविधान के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 340 में वो कमीशन तो पूरा बना देते, उसमें एक चेयरमैन को बैठा रखा, वो एक रिकमेंडेशन नहीं, एक 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 अनुशंसा नहीं, एक बार बैठक नहीं, और कभी SC ST कभी EWS। तो भाजी ये बातें तो अपने राजनीतिक पैंतरों की बात है, और मुझे वो हमारे नीरज जी कह रहे थे कि चेस और कबड्डी के टूर्नामेंट में उद्घाटनकर्ता के रूप में आपको उन्होंने बुलाया, तो मैंने उनको कहा कि ये कबड्डी ने कुश्ती और चेस मैंने ये क्यों, तो बोला कि दिमाग से कुश्ती लड़ने में धर्मेंद्र जी राठौड़ बड़े माहिर है। अभी पिछले दिनों अखबारों में खुद तो पर्दे के पीछे रहे पर कुश्ती कराई थी, तो आपको कुश्ती भी मुबारक, और आप सब लोगों ने बुलाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी।